हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है एंड मैं आईटी कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे, सारी चीजें कहाँ से पढ़ना है, क्या प्रायोरिटी रखनी है। जी मेंस का अटेम्प्ट बहुत पास आ रहा है तो समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़े, हॉटस्पॉट हो जाती है सारी चीजें। केमिस्ट्री की सारी बातें करेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने लिख दिया रोडमैप स्ट्रेटजी, तो आप लोग आ गए। बट यार, सो कॉल्ड स्ट्रेटजी या रोडमैप कुछ नहीं होता। अगर आप किसी चीज को समझ लेते हो, सुन लेते हो एंड फॉलो कर लेते हो तो रिजल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा सोर्स नहीं हूं, सारी चीजें अच्छे से नहीं बता पाऊंगा आपको, जो भी चीजें बताऊंगा वो रिलायबल नहीं होंगी, तो बंद कर दो वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। बट मैं कह रहा हूं, कोई भी चीज एक पकड़ो तो उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि दो दिन पकड़ के, एक दिन पकड़ के छोड़ दिया उसको। ठीक है, डू इट फॉर लॉन्ग टाइम, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है यार, अब एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, फिर यू विल गो, है ना, और फिर आप जाओगे, फिर आप नेक्स्ट चीजें देखोगे। ठीक है, आप रुके हो तो सुनो और उसे करना। कमिंग टू केमिस्ट्री, देयर आर थ्री पार्ट्स की ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर साफ बात मुझसे यहीं पर कोई पूछे कि आपको पहली प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखनी चाहिए, दूसरे पर ऑर्गेनिक एंड तीसरे पर फिजिकल। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं ये भी चीजें बताऊंगा। बट अगर आपका कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको फिजिकल बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपने नहीं पढ़ी, तो गो फॉर इट, मैं मना नहीं कर रहा। बट क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि नंबर वन पे आपको इनऑर्गेनिक रखनी चाहिए, अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है इन चीजों का। तो द थिंग इज दैट कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आता है, ठीक है, उसमें याद करने वाली चीजें रहती हैं, थोड़ा बोरिंग रहती है, बट इफ यू नो द आंसर, 5 सेकंड 10 सेकंड, दैट्स इट। फिर वो जो समय बचेगा आपका, वो आप जानते हो कहां लगाना है। तो अब ये बात होगी कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहां से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। अगर यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नोट्स बने, आपने कहीं भी कोचिंग जाते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, तो डू रिवाइज, जितना रिवाइज कर पाओ करो। सेकंड चीज, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपको अब पढ़ना है, तो गो फॉर वन शॉट, सारे वन शॉट देखो। एंड मोस्टली वन शॉट आपको एनसीईआरटी रेफर करने के लिए बोलेंगे, तो एनसीईआरटी भी देखो। ठीक है, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूं कि सर इनसे शुरुआत करनी आपको, मतलब ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर ये दो चैप्टर पढ़ लेते हो, तो मैं बोलता हूं अगर आपके 7 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से होते हैं। एक और चैप्टर है यार पी ब्लॉक, बहुत बड़ा चैप्टर है बट बहुत ज्यादा वेटेज भी रखता है। बट इसमें मैं कहूंगा यार, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो 15th ग्रुप 13, 14, 15 ग्रुप, ये 3 ग्रुप जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पढ़ना कहां से बता दिया, वन शॉट से पढ़ना है, कोई भी तुम्हें जो अच्छा लगे टीचर उसको पकड़ो। ऐसा नहीं है कि चीजें देखो सब कठिन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आसानी से 99% टाइल आ जाती है, आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कठिन चीजें हैं, समझ में नहीं आएंगी, वन शॉट पकड़ोगे तो ऐसे मतलब ये नहीं है कि टीचर बर्बाद है, टीचर बेकार है। ठीक है, उसको सस्टेन करो, झेलो, समझो चीजों को, आएंगी चीजें समझ में। और ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, एंड मतलब समझ रहे हो सबके साथ होता है, बट द थिंग इज दैट आप उसको फेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, दैट्स पॉइंट। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो बहुत सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, भैया ने बता दिया हो जाएगा, नहीं होगा, जूझना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, बट द थिंग इज दैट क्या आप उसको ओवरकम कर पाओगे, क्या आप जूझ पाओगे, क्या आप टीचर को बेकार मान के दूसरे चैनल पे या दूसरे लेक्चर पे नहीं जाओगे, उस पर स्टिक करोगे, दैट्स इट। तो बात करें यार क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 75% काम तो हो गया, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी तो 70-80% क्वेश्चन वहीं हो जाते हैं, थ्योरी में सारे कवर हो जाते हैं। बट इफ यू वांट समथिंग, तो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बट इफ यू डोंट नो इट तो क्विकली आंसर देखो। ऐसा नहीं है कि बहुत आधे घंटे तक बैठे, 15 मिनट तक बैठे, नहीं यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट है ही नहीं, आप बैठ के सोचोगे, चीजें नहीं आएंगी आपके दिमाग में, अगर आपने नहीं पढ़ रखी, नहीं याद कर रखी है, देखो याद करो आगे बढ़ो, दैट्स इट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड। ठीक है, कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यार जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रखी, नोट्स बना रखे हैं, तो रिवाइज इट एंड सॉल्व इट्स क्वेश्चन, इट इज लाइक मैथ, मैथ की तरह लो उसको, और कुछ मत मानो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स आएंगी, आपको पता चलेगा कहां से कहां रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी कम आती है बट एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं, मतलब लाइक ऐसी चीजें कि मतलब एसिडिक कंडीशन में जनरली वो चीजें होती है बट वो बेसिक कंडीशन में हो गई, ऐसे क्वेश्चन। बट अगर आपने कुछ नहीं कर रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वन शॉट के लिए जाओ एंड जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन कर लो। कई कई मैंने मेंस की सिर्फ देखे जिसमें सिर्फ जीओसी से 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन कर रखा है तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, एंड गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दैट्स इट,
आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कुछ नहीं कर रखा है। अगर आपकी वो सारी चीजें हो जाती है फिर आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा नया वीडियो कि कहां से क्या चीजें पढ़नी आगे। ठीक है, अभी परेशान मत हो, आप बोलोगे ये तो दो चैप्टर है इजी है, करके देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब बोलना। नाउ कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में यार आपको बस सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करो, बहुत 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 ज्यादा ध्यान, रिवीजन ज्यादा मैटर नहीं करता बट ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्वेश्चंस को बहुत मतलब लाइक उस पर बर्ड आई अपनी बनाई रखनी है, थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर हुआ क्वेश्चन बर्बाद। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा है गो फॉर अपनी मर्जी का वन शॉट, मैं कोई वन शॉट नहीं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ बट स्टिक टू इट। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे मेजर क्वेश्चन आते हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फुल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम एंड गैसियस स्टेट, दीज आर दी चैप्टर जो कि मतलब छाए हुए होते हैं। ठीक है, इनके बिना आप बाकी चैप्टर के क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, तो दे आर द बेसिक यूनिट्स, तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो दैट्स इट आई गेस, चीजें आपको ऐसी जादू भरी नहीं लगी होंगी कि वरे भाई क्या बचा आ गया, बट बिलीव मी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मैंने चीजें बताई अगर आपको लगती है कि ठीक है गो फॉर इट, फॉलो करो, जूझो, लड़ो, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी बट करो यार। ठीक है, तो यही था यार आई गेस कि हो गए सारे डाउट क्लियर एंड ठीक है, फिर चलो मिलते हैं।